किसान भाइयों मेरा नमस्कार। आज अभी हम आप सभी से बात करना चाहते हैं कि कैसे हर किसान भाई, चाहे कोई भी खेती करता है, ये चाहता है कि वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाए। तो उसके साथ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहता हूँ, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेन करना चाहिए, जो तकनीक यूज कर रहे हैं सस्टेन, आपको पता है, आप देख रहे हैं देश में चारों तरफ पानी की कमी आ रही है, बहुत सारे चैलेंजेज आ रहे हैं, तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, फायदेमंद और सस्टेनेबल हो कि आने वाले जनरेशन को भी कोई दिक्कत नहीं हो। किसान भाई बहुत कुछ जानते हैं कैसे आमदनी बढ़ा, जो बाजार की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से करेंगे तो आमदनी बढ़ेगी, जो मार्केट की डिमांड है, आप भी करते हैं मार्केट की डिमांड से। आज मुख्यतः हम सब्जी पे थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि सब्जी की खेती से कैसे हम आमदनी को बढ़ा सकते हैं, उस पर कुछ डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे आप धान गेहूँ करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि धान गेहूँ करने के बाद तो आप थ्रेसिंग करते हैं और फिर उसको स्टोर कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि खराब नहीं होता। लेकिन सब्जी के साथ सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, अगर आप बाजार आपको सही नहीं है तो आपको अच्छा तब दिक्कत होगा। तो सब्जी में मुख्यतः अगर देखें तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं हमको अपने उत्पादकता को बढ़ाना हो। रफली अगर आप देखें तो उत्पादकता का मतलब जैसे कि पर यूनिट एरिया से अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा। जैसे अभी एवरेज बताएं तो इंडिया में हमारी टमाटर की प्रोडक्टिविटी एवरेज है करीब 20 से 25 टन पर हेक्टेयर, 20 से 25 टन रफली, किसी किसी स्टेट में ज़्यादा भी होता कम, हम एक एवरेज बता रहे 20 से 25 टन। लेकिन क्षमता तो इंडिया में जैसे पोली हाउस में लोग या प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजी यूज करके, कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी यूज करके 180 टन तक ले रहे हैं, बाहर के देशों में 500 टन तक है। इसका मतलब क्या है कि क्षमता है, हम ओपन में भी, अगर ओपन में भी ड्रिप और प्रॉपर मल्चिंग और फर्टिगेशन करें तो बहुत किसान तो 80 टन 100 टन तक ले रहे हैं, ठीक है। तो हमको अपनी उत्पादकता को बढ़ाना हो और उसके साथ सबसे जरूरी दूसरी चीज है उत्पादकता के साथ साथ, उत्पादकता आपको पहले भी बहुत बार हम लोग बात कर चुके, बीज का सही चुनाव, सही इकोनॉमिकल मैनेजमेंट और माइक्रो क्लाइमेट एनवायरमेंट मैनेजमेंट, इन तीनों का उपयोग करके हम अपने उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है क्वालिटी, सबसे जरूरी है। आप भी बाजार में देखते होंगे जिस जो बेचने वाला है, जो चाहे जिस किसान का फसल की क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी रहती है, टमाटर हो कोई भी चीज़ हो, बैगन हो, बैगन में कीड़ा नहीं तो अच्छा प्राइस मिलता है, टमाटर का कलर यूनिफॉर्म हो तो अच्छा प्राइस मिलता है, हर चीज़ में खीरा का साइज क्या है, लौकी का साइज क्या है। तो आखिर इसका मतलब क्या, अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में जितना हम लोग चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं वेजिटेबल्स के, लेकिन एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा शेयर काफ़ी कम है और पूरी केंद्र सरकार, पूरी स्टेट गवर्नमेंट, हर यूनिवर्सिटी, हम लोग भी चिंतित है कैसे क्वालिटी को बढ़ाएंगे। और आपको भी पता है कि आपके फसल की अगर क्वालिटी ज़्यादा है तो पहले 10 रुपया मिल रहा था तो हो सकता है 12 रुपया केजी आपको मिल जाए, तो ज़रूरत है। और कैसे बढ़ेगी, बीज का सही चुनाव, सही क्रॉप मैनेजमेंट और तीसरा माइक्रो क्लाइमेट एनवायरमेंट मैनेजमेंट, उसको प्रॉपर ढंग से आप करेंगे तो आपकी फसल की क्वालिटी बढ़ जाएगी। लेकिन सब्जी में जैसे मैं पहले बताया, तकनीक तो है स्टोर करने का, लेकिन छोटे किसान के लिए बहुत मुश्किल है। स्टोर भी कर दे तो क्या स्टोर करने का जो खर्च आएगा उसके बाद जो बेचेंगे क्या हमको प्राइस मिलेगा? तो सब्जी के साथ सबसे बड़ा, किसी भी चीज़ के साथ सबसे बड़ा चीज़ आप जानते हैं क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का है। अभी मुख्यतः हम देखें तो हमारी खेती नॉर्मली देखें तो खुले खेत में होती है, मौसम के हिसाब से, जाड़े की खेती, गर्मी की खेती, बरसात की खेती। अब उसमें पहले क्या दिक्कत होता है, सब किसान का फसल एक साथ आता है। अब उसमें दिक्कत क्या है, धान गेहूं तो आप रख लेते हैं मौसम के हिसाब से, लेकिन सब्जी को कैसे स्टोर करें? कोल्ड स्टोरेज और भी फैसिलिटी है आपके पास है या नहीं, कहाँ कितने दूर पे है, फिर आपको स्टोर तो कर देंगे, फिर बेचेंगे तो पता चला उस समय दूसरा प्रोड्यूस मार्केट में आ गया तो क्या आपको स्टोरेज का कॉस्ट आएगा, क्या अच्छा प्राइस मिलेगा? तो उसके लिए आप लोग भी जानते हैं, आपको अर्ली प्रोडक्शन करना होगा, अगाती करना होगा समय से पहले। उदाहरण तौर पर जैसे झारखंड में बताया, नॉर्मली यहाँ तरबूज मार्च के बाद आता है, 15 मार्च या मार्च के बाद, नॉर्मल जो खुले में खेत में लगाते हैं 15 अप्रैल के आसपास आता है। लेकिन जो समय से पहले पौधा लो टनल का उपयोग करके, मल्चिंग करके, टनल का उपयोग करके कुकरबिट्स या तरबूज या कोई भी कुकरबिटस क्रॉप तकनीक का उपयोग करके ले रहे हैं तो समय से पहले उनका आ जाना, समय से पहले आने से फायदा क्या होता है कि उसको अच्छा प्राइस मिलता, अर्ली प्रोडक्शन, हमको अर्ली प्रोडक्शन करना होगा। चौथा चीज क्या कर सकते हैं, ऑफ सीजन। उदाहरण के तौर पे जैसे जाड़े में भिंडी की खेती हम लोग नहीं करते, वो डिपेंड करता है, हर जगह अलग है। हम झारखंड में बताएं, झारखंड में जाड़े में की भिंडी की खेती नहीं, क्योंकि गर्म का फसल है, या तो बरसात या गर्मी में करते हैं। लेकिन जो तकनीक का उपयोग करके जाड़े में अगर वो भिंडी की खेती करता है तो खर्च तो आएगा, लेकिन जो खर्च पड़ेगा और जो बाजार मूल्य मिलेगा वो आपके फसल के चुनाव पर, बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है।
तो तकनीक का उपयोग करके हम ऑफ सीजन जो चीज जब नहीं हो रहा, आपको भी पता है इस रूम में जहां मैं बात करूं यहां भी खेती कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है इकोनॉमिक्स, सबसे पहले हमको तकनीक उपयोग नहीं करना, इकोनॉमिक्स देखना है, बाजार देखना है। तो ये चार चीजें हुई। उसके अलावा आप चाहें तो प्रॉपर मार्केट, मार्केटिंग सबसे जरूरी है। पहले भी मैं बता चुका हूं कि बीज डालने के पहले, पौधा डालने के पहले, पहले हमको किस बाजार में बेचना है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं झारखंड से बोल रहा हूं, हमको क्या किसान को रांची में सब्जी बेचना है या पटना में बेचना है या बेंगलोर में बेचना है या आउट ऑफ इंडिया बेचना है, कहां बेचना है, जिसको बेचना है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें प्राइस क्या मिल रहा है, मेरा खर्च कितना आ रहा है। जब तक पहले खासकर सब्जी के फसलों में सबसे पहले हमको मार्केट तलाशना होगा। और आपको अच्छी तरह पता है कि हर एक ही समय आज की तारीख में जो झारखंड में टमाटर का रेट है महाराष्ट्र में अलग है। क्यों? क्योंकि वहां उत्पादन शायद हो रहा होगा। तो हर चीज का रेट हर समय आप उसके लिए नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का हैंडबुक, अलग अलग साधन से आप देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि प्रॉपर बाजार के तलाश के हिसाब से आपको क्रॉप साइकिल करना है, कब पौधा लगाना है, कब हमको अपना फसल तोड़ना है, फसल बाजार में आए, तो बाजार सबसे जरूरी है। उसके अलावा देखें तो स्टोर करना, नॉर्मली अगर आप देखें तो हम सब्जी में मुख्यतः कोल्ड स्टोरेज का उपयोग मुख्यतः आलू के लिए करते हैं। उसके अलावा लोग तरबूज के लिए करते हैं, आपका गाजर के लिए, हल आदि के लिए, कुछ कुछ चीज़ के लिए करते हैं, मुख्यतः ये आलू के लिए करते हैं हम लोग अगर देखें तो, जो कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है, तकनीक तो आ गई कि आप स्टोर कर सकते हैं। तो आपको देखना है क्या उसके लिए है कि शॉर्ट टर्म स्टोरेज, मतलब छोटे दिन के लिए। जैसे अभी क्या हो रहा है, किसान ना तो अगर बड़ी फैसिलिटी नहीं है तो हमको इवेपोरेटिव क्लिंग, छोटे स्टोरेज सिस्टम के बारे में सोचना पड़ेगा कि ऐसी तकनीक दे कि अभी किसान मंडी में जाता है, रेट नहीं मिला तो उसके पास ये फैसिलिटी नहीं कि एक दिन भी या दो दिन स्टोर कर पाए। तो इस तरह की तकनीक पे भी हम लोग यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं, सरकार भी कर रही है, अलग अलग इंस्टीट्यूट ICAR के यूनिवर्सिटी काफ़ी काम हुआ है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि 3 से 7 दिन के लिए किसान स्टोर ऑन फार्म अपने खेत पर करना चाहता है तो क्या किया जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट में एक चीज बताऊं कि जैसे पर्पस क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपकी प्रोड्यूस, जैसे टोमेटो में पहले बताया, टोमेटो आप ग्रो कर रहे हैं तो दो काम होंगे, या तो टेबल पर्पस होगा मतलब कोई कंज्यूमर खरीदेगा, या तो प्रोसेसिंग कंपनी खरीदेगी, कोई भी कंपनी खरीद ले जो टोमेटो केचप बनाएगी। तो बहुत बार क्या होता है कि जब मार्केट में प्राइस कम भी रहता है, क्योंकि आपके टोमेटो का भविष्य फिक्स है कि उससे केचप बनना है, तो बहुत बार ऐसा कोई जरूरत नहीं है। लेकिन नॉर्मली कुछ दिन 3 साल पहले की बात है, वेस्ट बंगाल में आलू यूपी के बाद सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता, आलू किसान खेत में कोड़ना ही नहीं चाहता था क्योंकि रेट आलू का 2 रुपया 3 रुपया के जी हो गया था। और कुछ किसान का आलू चिप्स बनने के लिए जा रहा था कुछ कंपनी के, किसी कंपनी के साथ, तो उसको 8 रुपया से 10 रुपया मिल रहा था। तो क्यों? उस आलू का भविष्य फिक्स था। तो जैसे मैं पहले बताया कि आपके आलू का किस बाजार में बेचना है, और या किसी प्रोसेसिंग कंपनी को, या खुद अब प्रोसेस कर रहे हैं, क्यों उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये चीज हमको मार्केट से, मतलब आपका पर्पस, क्योंकि क्यों मैं बता रहा हूं कि जो टोमेटो प्रोसेस होता है या आलू प्रोसेस होता, उसकी वैरायटी अलग होती है, उसका पानी, खाद, मौसम, सब कुछ अलग होता है। एक बार ग्रो करने के बाद हम प्रोसेसिंग के लिए नहीं दे सकते हैं, हमको पहले से ही सोचना होगा कि आखिर करना क्या है। तो ये मुख्य बातें हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, सरकार का सपोर्ट क्या है आपका, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आमदनी को बढ़ाने में, खासकर अगर आप सब्जी की खेती कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो अभी जो हमारी आमदनी हो रही है, धीरे धीरे हमको तकनीक का, जैसे मैं बताया, तकनीक का उपयोग करके धीरे धीरे सही बाजार का तलाश करके, मौसम को अनुकूल करके, ऑफ सीजन करके, अर्ली करके, उत्पादकता बढ़ा के, क्वालिटी बढ़ा के, प्रोसेसिंग कंपनी से टाई अप करके, इन सब चीज़ों को अगर हम करेंगे तो जो अभी पेरिसेबल है, क्योंकि जल्दी खराब हो जाता है, वो जो चैलेंजेज है उसको हम थोड़ा कम कर पाएंगे। खेती है तो चैलेंजेज है, मुझे पता है, लेकिन आखिर करना क्या, वो तो कुछ उपाय मैंने बताया जिसका उपयोग करके, ऐसा मेरा मानना है, किसान भाई या कोई भी खेती करता है अपने आमदनी को बढ़ा सकता है। तो इस पर सोचने की जरूरत है। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।